जय हिंद। साथियों, ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को कश्मीर में धारा 370 के लिए हिंसक आंदोलन की खुली धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो क्यों अलग अलग जातियों के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव करते हैं? हमें आरक्षण के नाम पर आपस में लड़ने के बजाय जाति व्यवस्था की बुराइयों को मिटाना होगा। हमें संगठित हिंदुत्व शक्ति बनाकर जिहाद को हमारे देश से मिटाना होगा। नक्शे में इतिहास देख लो, हमारा देश छोटा होता जा रहा है। हमारे देश की हिंदू जनसंख्या लगातार कम हो रही है। इन्होंने अपनी जनसंख्या दर बढ़ाकर नए इस्लामिक देश बना लिए हैं। जहां पे भी इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है वहां के हिंदुओं का अंजाम हमारे सामने है। इन्होंने कश्मीर में हमारी बहन बेटियों का बलात्कार कर वहां के हिंदुओं को मारकर उनका सब कुछ छीन लिया। ये हमारे वीर सैनिकों को धोखे से मारकर उनका सिर काटकर अपने साथ पाकिस्तान ले जाते हैं, उन पे पत्थर फेंककर उनका अपमान करते हैं। हमें संगठित होकर कश्मीर को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देना है। हमें वहाँ इनसे दुगुनी मात्रा में बसकर इनकी चार दीवार रखकर बहुत सारे बच्चे पैदा कर अपनी जनसंख्या दर बढ़ा जनसंख्या इनकी रोकनी होगी। हमें संगठित होकर हिंदुत्व समाज बनाकर हमारी आने वाली पीढ़ी को इस्लामिक आतंक से सुरक्षित करना होगा। हमें इनके जैसे हथियारों की ट्रेनिंग लेकर हमारे देश की आर्मी को और मजबूत बनाने होगी। भाई और बहनों, हमें हर हालत में इस्लामिक झंडे को माँ भारती के ऊपर फहराने से रोकना होगा। जय हिंद।